हेलो दोस्तों दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। तो गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। और बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये क्वेरीज आई हुई है दोस्तों, कि उनका जो गुलाब का पौधा है उसमें कोई भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, उसमें जो है दोस्तों किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं आ रही है, और उनका जो भी ग्रोथ है वो भी जल जा रहा है। और तो और जो है दोस्तों, उसमें कोई भी फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है, पत्तियाँ पीली होकर गिर रही है, ब्रांचेज जो है दोस्तों वो सूख रही है, और उसमें डाइबैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो गुलाब के पौधे में जो है दोस्तों, गर्मी में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती ही मिलती है। अगर आप उसकी सही देखभाल नहीं करते हो, उसको सही न्यूट्रिशन नहीं देते हो, उसकी अच्छे से केयर नहीं करते हो, तो आपको जो है दोस्तों इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम गुलाब के पौधे में देखने को मिलेगी। क्योंकि गुलाब का जो पौधा होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। और तो और जो है दोस्तों, ये गर्म जलवायु वाला पौधा नहीं होता है। ये जो है दोस्तों बसंत ऋतु का पौधा होता है। बसंत में ये बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है, और जो है दोस्तों ठंडी में भी ये बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करता है। लेकिन आपको अभी जो है दोस्तों, अपने पौधे को बचा के रखना है, उसकी अच्छी केयर करना है, उससे जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा न्यू ग्रोथ लेना है, तभी आने वाले सीजन में ये बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा। और जो है दोस्तों अच्छी खासी फ्लावरिंग करेगा, और उसमें न्यू न्यू बहुत सारी ग्रोथ भी आएगी, और आपका पौधा जो है दोस्तों वो घना भी हो जाएगा। लेकिन आप अभी इस सीजन में अपने पौधे की अच्छे से केयर करोगे, अच्छे से देखभाल करोगे, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन दोगे, तभी जो है दोस्तों आने वाले सीजन में आप उससे फ्लावरिंग ले सकते हो। आप मेरे पौधे को देख सकते हैं दोस्तों, मेरा पौधा का सारा ही पौधा का कितना अच्छा रिजल्ट है। मेरे सारे ही पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग भी हो रही है, और मेरे सारे ही पौधे में जो दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ भी आ रही है। लेकिन अभी आपको जिस चीज़ पर ध्यान देना है वो जो है दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगी कि आपको गुलाब के पौधे में अभी कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण, और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो है दोस्तों, आपको मैं बता देती हूं कि आपको अपने गुलाब के पौधे में अभी कौन सा काम नहीं करना है। तो अभी गुलाब के पौधे में जो काम नहीं करना है दोस्तों, वो यह है, वो सबसे मेन पॉइंट यह है दोस्तों, कि आपको अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं लेनी है। अगर आपका गुलाब का पौधा हेल्दी नहीं है, उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, और वो जो है दोस्तों थोड़ी बहुत फ्लावरिंग कर रहा है, तो अगर आपका पौधा छोटा है, तो आप इस बात का ध्यान दें कि आप अपने पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग ना ले। आप अपने पौधे से जो है दोस्तों, वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग ना ले। अगर आपका पौधा बड़ा है, आपका पौधा हेल्दी है, तो फिर जो है दोस्तों आप उससे फ्लावरिंग ले सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं मेरे इसमें जो है दोस्तों बहुत सारे बड्स बने हुए हैं, लेकिन मैं जो है दोस्तों सारे ही बड्स से फ्लावरिंग नहीं ले रही हूँ। मैं बड्स को ही क्या करती हूँ, कट करके हटा देती हूँ, और थोड़े बहुत जो है दोस्तों जो मेरे पौधे हेल्दी हैं, मैं उनसे जो है दोस्तों थोड़ी बहुत फ्लावरिंग लेती हूँ। तो इसी तरह से आप ध्यान रखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी गर्मी में अपने पौधे की जो है दोस्तों वो ग्रोथ पे ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पे ध्यान ना दे। अगर आप उसकी फ्लावरिंग पे अभी ध्यान दोगे तो क्या होगा, पौधा से ज़्यादा ग्रोथ पे ध्यान नहीं लगा पाएगा, वो फ्लावरिंग पे ही ध्यान लगाएगा। तो फिर इस कारण से क्या होता है कि पौधा जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है और डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, क्योंकि ये उसका जो है दोस्तों वो ग्रोइंग पीरियड नहीं है। तो अगर आप उससे ज़्यादा फ्लावरिंग लोगे तो वो जेन्युइन है कि डोरमेंसी पीरियड में जाएगा ही जाएगा। तो आपको अपने पौधे को डोरमेंसी पीरियड में नहीं भेजना है, उसको इससे बचा के रखना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं लेनी है। जो भी इस तरह की बड्स बने, आप बड्स में ही क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से तोड़ के हटा सकते हो। उसका भी जो है दोस्तों तोड़ने का एक टाइम होता है। आप उसको किस टाइम पे कट करो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब भी आपके जो है दोस्तों जो भी ब्रांचेस में नई नई बड्स बने, इस तरह की जो भी ब्रांचेस में नई बड्स बने, और वो जब ये रेड कलर की रहे तो आप इसको कट ना करें, वो जब ग्रीन कलर की हो जाए तब आप उसको कट करें। उससे क्या होता है, उससे यह पता होता है कि हमारा जो ब्रांच है वो मैच्योर हो चुका है, तो अब हम उसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। तो आप इस बात का सबसे पहले ध्यान रखें। उसके बाद जो है दोस्तों, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि गर्मी का सीजन आ गया है तो हम अपने पौधे में भर भर के पानी देंगे। पानी देना भी जो है दोस्तों वो मेन कारण होता है हमारे पौधे को ख़राब करने से रिलेटेड, क्योंकि पानी जो है दोस्तों हमें नियमित देना होता है, ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। अगर आप अपने पौधे में ज़्यादा पानी दे दोगे तो पौधा उस कारण से भी ख़राब हो जाता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो जल जाते हैं, और जो है दोस्तों उसकी रूट्स सड़ने लगती हैं। इसलिए जो है दोस्तों उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आती है, और वो नई नई ब्रांचेस भी जो है दोस्तों वो नहीं बनाता है। तो देख सकते हैं मेरे पौधे में कितने अच्छे जो है दोस्तों नई नई छोटी छोटी बेसल शूट्स आ रही है, और इसमें भी देख सकते हैं कितने अच्छे एकदम बड़े बड़े बेसल शूट्स आए हुए हैं। तो मैं अपने पौधे की जो है दोस्तों इसी तरह से केयर कर रही हूँ, तभी मेरा पौधा इतना ही अच्छा रिएक्ट कर रहा है। और मेरा पौधा देख सकते हैं गर्मी में भी कितना अच्छा एकदम घना है, और अच्छी खासी जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग भी कर रहा है। तो ये दोनों काम जो है दोस्तों आपको करना ही करना है। उसके बाद तीसरा काम आपको करना है कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो तो आप अपने गार्डन में ग्रीन नेट जरूर से ज़रूर लगा लें। गर्मी का सीजन जो है दोस्तों आधा तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जो जून का गर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा कड़कता गर्मी है, और इस गर्मी में जो दोस्तों पौधे बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। गुलाब का पौधा खास करके जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव पौधा है, इसकी हमें बहुत ही अच्छी खासी केयर करने की आवश्यकता होती है। और अगर आप नीचे गार्डनिंग कर रहे हो तो आप अपने पौधे को जो है दोस्तों वो छाईदार जगह पर रखें, कोई भी छाईदार जगह पर रखें, या फिर जो है दोस्तों आप उसको कहीं पे भी बड़े पेड़ के नीचे रखें जहां ज्यादा धूप ना आए। खास करके दोपहर का धूप अपने पौधे को ना लगने दे, क्योंकि दोपहर का जो धूप होता है वही ज्यादा कड़कता धूप होता है, और वही धूप से जो है दोस्तों हमारे पौधे खराब हो जाते हैं।
तो ये जो छोटे छोटे काम मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, ये छोटे छोटे काम को जो है दोस्तों आपको अपने पौधे में ध्यान देना है, और पानी जो है दोस्तों आपको अपने पौधे में नियमित तौर पे देना है। पानी आपको कितना देना है, तो गमले में जो है दोस्तों पूरा ही भर के आपको पानी देना है, और वो भी जो है दोस्तों जब तक आपका गमला का मिट्टी सूख ना जाए तब तक आपको उसमें पानी नहीं देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि गर्मी का सीजन है तो उसमें भर भर के पानी देने लगते हैं, और जो है दोस्तों दिन में 2 से 3 बार पानी देने लगते हैं। उसी कारण से जो होता है उसका रूट खराब हो जाता है, उसमें न्यू ग्रोथ नहीं आती है, और पत्ता जो है दोस्तों वो पौधा जो है दोस्तों वो स्ट्रेस में चला जाता है। आपको गर्मी का सीजन आ गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही भर के पानी देना है। पानी देना है लेकिन नियमित तौर पर ही देना है। जब तक गमले की मिट्टी सूख ना जाए, उसको पानी का जरूरत ना हो, तब तक आप उसमें पानी ना दे, इस बात का आप ध्यान दें। और जब भी आप पानी दे तो पूरा ही भर के पानी दे, और एक बार जो है दोस्तों अपने पौधे में सावर भी लगा दे। सावर लगाना भी जो है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने पौधे में सावर लगाओगे तो पौधे को जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी ठंडक मिलती है। उस कारण से क्या होता है, हमारा पौधा जो है वो जलता नहीं है, और जलने से जो है दोस्तों वो बचा रहता है। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है, तभी जो हमारा पौधा है वो अच्छी खासी ग्रोथ करता है, और उसमें अच्छी खासी जो दोस्तों वो फ्लावरिंग भी होती है। देख सकते हैं ये जो मेरा पौधा है दोस्तों, इसमें बहुत सारी इसमें नई ग्रोथ आ ही नहीं रही थी। ये जो सारा ही जो पत्ता था दोस्तों वो भी झड़ चुका था, और इसमें कोई भी नई ग्रोथ नहीं आ रही थी। तो मैंने जो दोस्तों ये पौधे में जो न्यूट्रिशन दिया हुआ था, और जिस तरह से मैंने इस पौधे की केयर किया हुआ था, वो केयर भी मैं आप सभी को बता रही हूँ। और आगे जो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगी कि इसमें न्यूट्रिशन भी आपको क्या देना है। जब पौधे के जो है दोस्तों वो रूट्स में फंगस वगैरह लग जाते हैं, तभी जो है हमारा पौधा जो है वो न्यू ग्रोथ नहीं लाता है। तो आपको जो है दोस्तों, और गुलाब का जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है, तो इसमें फंगस वगैरह भी जो है दोस्तों अभी गर्मी में बहुत ही ज़्यादा आके लग ही जाती है। फ्लावर्स के साइज जो होते हैं दोस्तों वो छोटे छोटे साइज की हो जाते हैं, लेकिन वो कोई भी बड़ा रीज़न नहीं है। अगर जब सीजन आएगा गुलाब का, तो फिर वो जो है दोस्तों फिर से बड़े बड़े साइज के उसमें फ्लावर्स आने लगेंगे। लेकिन आपको अपने पौधे को अभी जो है दोस्तों इस बात का ध्यान देना है कि आपको अपने पौधे को अभी बचा के रखना है। उसमें फ्लावरिंग ना भी लो तो भी चलेगा, लेकिन आपको अपने पौधे को अभी बचा के रखना है, हरा भरा रखना है, और ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए जो है दोस्तों मैं आप सभी को चलिए बताती हूँ कि आपको क्या जो है दोस्तों इसमें देना है। तो मैंने जो है दोस्तों अपने पौधे में अभी लगभग 1 सप्ताह हुआ है, उससे पहले ही उसी टाइम पे मैं जो है दोस्तों अपने पौधे में दी हुई है। तो मैंने जो है दोस्तों अपने सारे ही पौधे में बर्मी कंपोस्ट दिया हुआ था, 2-2 मुट्ठी करके। ये मेरा 8 इंच का गमला है, तो 2 मुट्ठी करके मैंने बर्मी कंपोस्ट दिया हुआ है। आप उसके जगह पे जो है दोस्तों वो गोबर की खाद या फिर कोकोपीट वगैरह कुछ भी दे सकते हो। वो सारा ही चीज़ जो है दोस्तों वो सेम न्यूट्रिशन प्रदान करता है, और हमारे पौधे के लिए जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैंने यहाँ पे जो है दोस्तों 1 हफ्ते पहले ही दिया हुआ है, तो मैं अभी आपको दे के नहीं बता रही हूँ। आप 2-2 मुट्ठी करके अपने सारे ही पौधे में दे देना। उसके बाद मैं अभी आप सभी को बताऊंगी कि आपको फंगस को हटाने के लिए आपको क्या करना है। तो आपको जो है दोस्तों मैं किचन के यूज़ होने वाले चीज़ ही बताऊंगी, जिसके इस्तेमाल से ही आपका जो पौधा है वो किसी भी तरह की फंगस वगैरह उसमें नहीं लगेगी, और उसमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ भी होगी। तो आपको जो है दोस्तों फंगस वगैरह किसी भी चीज़ से हटाने के लिए आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो ये जो है दोस्तों ये हमारे किचन में यूज़ होने वाला बहुत ही मामूली सा चीज़ है, तो ये क्या है, बेकिंग सोडा। तो आपको जो है दोस्तों बेकिंग सोडा ही लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है। और बेकिंग सोडा जो होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, न्यू ग्रोथ लाने में भी हेल्प करते हैं, और तो और जो है दोस्तों अगर फंगस वगैरह कहीं पर भी लगा हुआ है तो उसको भी जो है दोस्तों हटाने में ये हेल्प करता है। तो आपको जो है दोस्तों इसको सही तरीके से बस इस्तेमाल करना है। तो गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट भी कर सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हो, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में डालो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ जो दोस्तों मैंने, जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है। 1 लीटर पानी में जो दोस्तों ये मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा को डाल दूंगी, और डालने के बाद जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पानी में बहुत जल्दी जो है दोस्तों वो घुल भी जाता है। और घुलने के इसको क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरह से डायरेक्ट जो है दोस्तों गमले में गुड़ाई करके और डाल सकते हो। उससे जो दोस्तों आपके पौधे में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी फंगस वगैरह आपके पौधे में लगा हुआ है, तो वो सारी ही चीज़ों से जो है दोस्तों आपके पौधे को छुटकारा दिला देगा, और आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी न्यू ग्रोथ भी आने लगेगी। लेकिन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी जो दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार करना है। इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी न्यू ग्रोथ आएंगी, और जो भी न्यू ग्रोथ आएगी वो हेल्दी होगी, वो पत्तियां मुड़ी हुई नहीं होगी, बहुत ही अच्छी खासी ग्रीन कलर की पत्तियां आएंगी। और किसी भी तरह की जो है दोस्तों आपके पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, तो उससे भी जो दोस्तों आपके पौधे को छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए इस्तेमाल करने का, और आप इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों शाम के टाइम पे करें, मॉर्निंग के टाइम पे करें, दोपहर के टाइम पे कभी भी ना करें, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद एक बार आप अपने पौधे में सावर लगा दे दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं मैंने अपने सारे ही पौधे में अभी जस्ट सावर लगाया हुआ है। और पौधा जो है दोस्तों इससे क्या होता है, इससे पौधा पूरा नहा के बाहर आ जाता है, और जो उसमें जितनी भी सारी जो पत्तियां में गंदी भी लगी होती है वो भी जो है दोस्तों हट जाती है, और पौधा जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा फ्रेश फील करता है। इसलिए समय समय पर हमें जो है दोस्तों इस तरह से अपने पौधे की देखभाल करनी होती है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।